जेटीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस समय हम यहाँ मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कीकलसाना में। काफी बड़ी ग्राम पंचायत है ये और अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए हैं जिसके नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जो यहाँ पर चुने गए हैं। इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ मौजूद है मुजफ्फर प्रधान जी, जिनके छोटे भाई मोहम्मद फहीम जी को यहाँ गाँव ने अपना प्यार और सम्मान देकर ग्राम प्रधान के पद पर कार्यरत किया है, लेकिन बागडोर यहाँ मुजफ्फर प्रधान जी के हाथ में है। आज इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से जनता को इन्होंने उम्मीदें दिखाई हैं और क्या कोशिशें इनकी तब से लेकर अब तक और आगे आने वाले समय में जारी हैं, साथ ही क्या अपने गांव की जनता को संदेश देना चाहते हैं, आइए बात करते हैं। जेटीवी न्यूज में आपका स्वागत है मुजफ्फर प्रधान जी। ये बताएं कि नवनिर्वाचित प्रधान यहाँ पर जो चुने गए हैं आपकी सरपरस्ती में मोहम्मद फहीम जी, तो किस तरह की उम्मीदें यहाँ जनता को दिखाई हैं और जो सम्मान जनता ने यहाँ दिया है आपको, उसके लिए अपने क्षेत्र की अपने गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की जनता, बिहार 27 की जनता और मेरी ग्राम पंचायत पीपलसाना की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की। आने वाला कल हमारा खुशियों का गुजरे। जिस तरीके से सन 1947 में हमने अंग्रेजों से अपना देश आज़ाद कराया था, आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। हमारा सबका अपना अधिकार है, हम जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें हमारे मुल्क में छोटा बड़ा कोई नहीं है, लोकतंत्र में सब एक समान है। तो मैं देश की जनता को एक बार फिर बधाई देता हूँ। जैसे कि गांव की जनता ने यहाँ जो आपको गांव की बागडोर है आपके हाथों में दी है, सौंपी है, जिन उम्मीदों से सौंपी है, जो भरोसा और सम्मान दिया है, किस तरह से उसको कायम रखेंगे आप? देखिए, पीपलसाना की जनता हम पर बहुत विश्वास किए हुए है, वो हमसे बहुत प्यार करती है, बेपनाह मोहब्बत करती है। हमने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसमें आधे से ज्यादा हम जो है 2 महीने के अंदर पूरे कर चुके हैं। जनता को हम पर काफी विश्वास है, जनता ने हमें अपनी उम्मीदों के मुताबिक प्रधान चुना था, मेरे छोटे भाई को प्रधान चुना था फहीम को, तो उसकी उम्मीदों पर हम खरे उतरे हैं। जनता अपने फैसले से बहुत ही खुश है, बहुत ही उत्साहित है। क्या लगता है आपको कि सबसे पहले प्राथमिकता किस समस्या को आप देते हैं जो अब तक नहीं हो पाई है? आपको मतलब आपकी कोशिश है कि अपने गांव की उस समस्या को सबसे पहले आप हल करें? देखिए, हमारा गांव जो था बहुत पिछड़ा हुआ था, यहां पर सारी समस्याएं मिली हम जब यहां पर प्रधान चुने हुए, तो मैं समझता हूँ जनता की सारी समस्याएं जो है बहुत तेजी के साथ पूरी हो रही हैं। हमारे ग्राम पंचायत में सबसे बड़ा मुद्दा था क्योंकि यहाँ जो है शहरी मूड के लोग रहते हैं, ये पीपलसाना सिटी की तरह है। यहाँ के लोगों को एक शहर जैसी उम्मीदें थी कि प्रधान हमारे यहाँ एक ऐसा चुना जाए जो हमारी उम्मीदों के मुताबिक खरा उतरे। तो जनता अपने फैसले से बहुत खुश है। सबसे ज्यादा जो हमने फोकस किया है वो सफाई अभियान पे किया है। तो हमने अपने सौजन्य से 25 सफाई कर्मी गांव के अंदर रखे हैं, जो गांव के गली कूचों को रोजाना दिन ब दिन साफ सुथरा रखते हैं। यहाँ पर जो है बीमारियों में भी जब से सफाई अभियान चालू हुआ है, सफाई होना चालू हुई है, हमने पूरे गांव को सैनिटाइज कराया, सैनिटाइज मशीन खरीद कर मंगवाई, फॉगिंग मशीन मंगवाई हमने, तो पूरे गांव में सैनिटाइज कराया, फॉगिंग कराया पूरा गांव। तो यहां पर काफ़ी हद तक जो है सारी बीमारियां दूर हुई हैं और लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमने प्रधान चुना तो बहुत अच्छा प्रधान चुना, हमने जो भी फैसले लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर विकास में बहुत तेजी के साथ हम आगे बढ़े हैं, हमने गांव में सड़कें भिजवाई हैं, हमने सबसे ज़्यादा जो अपने जितना घोषणा पत्र में हमने लिखा था उस पर काम करने का हमारा फोकस है। हमने 25 सफाई कर्मी गांव के लिए वादा किया था, वो हमने उपलब्ध करा दिए। हमने 25 सफाई कर्मी आपने उपलब्ध कराए हैं, क्या ये लगातार आपके पूरे कार्यकाल में कार्यरत रहेंगे इस गांव में? मेरी कोशिश यही है कि ये पूरे 5 साल चले। आने वाला चुनाव जो है लोग जो है सोच समझ के लड़े, वो देखें कि मौजूदा प्रधान ने कितना काम कराया है। एक तरह से ये कहें कि भारत सरकार के स्वच्छता मिशन को आप पूरी तरह से कारगर यहां कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री की जो पहल थी, जो कोशिश थी, उसको हमने 100% ग्राम पंचायत पीपलसाना के अंदर 100% लागू किया है। जैसे कि अभी बीते समय में कोरोना के इतने खतरनाक परिणाम सामने आए, इतने खतरनाक परिणाम हमारे देश में लोगों ने भुगते हैं, जनता ने भुगते हैं, और आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा
इसका जो है सभी के मन में अभी भी दहशत इसकी पहले से ही मौजूद है, इसको लेकर अपने ग्रामवासियों को किस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं या अपने गांव में आपकी क्या कोशिशें हैं, इससे कहां तक बचाव या उपाय इसका क्या है? देखिए, मैं सारे ग्रामवासियों से कहता हूँ, घर घर डोर टू डोर जाकर जो है उन लोगों को समझाता हूँ, सबसे पहले तो वो वैक्सीन लगवाए और अपने लगवा कर दूसरों से भी कहें उसे लगवाने के लिए, क्योंकि ये सबसे पहली प्राथमिकता हमारी वैक्सीन लगवाने को होनी चाहिए। और हम जो है बहुत ज़्यादा सतर्क हैं, हमारी पूरी निगाह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की पूरी निगाह कोविड को पर बनी हुई है। तीसरी लहर को लेकर हम लोग बिल्कुल सतर्क हैं, आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि गाँव के अंदर एक भी मरीज नहीं होगा, हम पूरी तरीके से उस पर काबू किए हुए हैं। हमारी टीम, डॉक्टरों की टीम, जितने भी हमारी आशा वर्कर हैं, आशा संगनी हैं, जो भी हैं, हम डोर टू डोर सारे उस पर वर्क कर रहे हैं। हम पूरी मुस्तैदी के साथ तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने देखा, मुजफ्फर प्रधान जी से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी हद तक लोगों की सेवाएं करने में तत्पर तैयार इस समय भी बैठे हुए हैं और हर समय लोगों की, जनता की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने ही सौजन्य से साफ सफाई का काम गांव में करवाया जा चुका है, 25 सफाई कर्मी भी यहाँ मतलब इन्होंने अपने स्तर पर रखे हुए हैं। कोशिश इनकी पूरी, जो भारत केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार काम कर रही है और जो भी योजनाएं उसकी तरफ से जनता के लिए आती हैं, उनकी पूरी कोशिश जनता को उसका पूरा पूरा लाभ दिलाने की रहेगी। साथ ही यहां पर कोविड-19 को लेकर भी लोगों को समय समय पर जागरूक किया जा रहा है। देखिए, पिछली सरकारों में यहां पर सबसे ज्यादा जो समस्या आई थी वो खाद्यान्न वितरण से लेकर आई थी, लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार बनी है यूपी के अंदर, खाद्यान्न की समस्या, राशन की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। लोग अब जो है महीने में दो बार राशन ले रहे हैं, वो अपनी सारी समस्याएं, जो जो गरीब परिवार होता है उसका सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो अनाज को लेकर होती है। इस कोविड के माहौल में, इस कोविड की परेशानी में खाद्यान्न जो है, राशन महीने में दो बार पूरा जो है राशन कार्ड धारक को मिल रहा है। अभी अभी हमारे यहाँ पहल हुई प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना की, उसको पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोगों ने जो है लागू कराया और हमारे गांव के हर वर्ग को महीने में दो टाइम राशन, महीने में दो बार राशन जो है पूरा मिल रहा है। जी,